हेलो गाइज, वेलकम टू टू मंत्र। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। शुरू का इस वीडियो में आपको एक ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा, अगर ये सेटिंग्स आप अपने वीडियो में कर लेते हैं तो आपके वीडियो पर व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सेटिंग्स क्या है, इसके लिए आप इस वीडियो में बन रही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप अपने चैनल का एक्सटर्नल सबसे चेक करिए, आप पाएंगे कि आपका वीडियो सबसे अधिक व्हाट्सएप पर शेयर हुआ है। व्हाट्सएप के अलावा भी इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर होते हैं, लेकिन सबसे अधिक व्हाट्सएप पर ही वीडियो शेयर होते हैं। और जब व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर होगा ना, तो अब क्रिएटर को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि व्हाट्सएप में पिक्चर इन पिक्चर मोड है, वो वीडियो वहीं ही प्ले हो जाता है। तो भैया, अगर उस बंदे को वीडियो पसंद भी आता है तो लाइक्स नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर लाइक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सब्सक्राइब करने का मन करे तो वहाँ सब्सक्राइब बटन भी नहीं मिलता है। तो इस तरह क्रिएटर को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और रही बात वॉच टाइम की, तो वॉच टाइम भी काउंट नहीं हो, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं प्ले हो रहा है, वो वीडियो व्हाट्सएप पर ही पिक्चर इन पिक्चर मोड में प्ले हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों, क्रिएटर को लॉस ही लॉस है। लेकिन यूट्यूब ने एक ऐसा सेटिंग्स भी दिया हुआ है कि अगर आप अपने वीडियो में वो सेटिंग कर लेते हैं, तो आपका वीडियो कहीं भी शेयर होगा और आपके लिंक पर क्लिक होगा तो डायरेक्ट आपके चैनल पर वो वीडियो प्ले होगा, वो बंदा आपके चैनल पर आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको यही सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी सेटिंग्स आपको वीडियो में कर लेनी है। सो गाइस, आपको अपने चैनल में YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको किसी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह एडवांस सेटिंग्स दिख जाएगा, आपको एडवांस सेटिंग पर जाना है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सबसे नीचे अलाउ एम्बेडिंग दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ एम्बेडिंग डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन रहता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। देखिए, आप जब इसे ऑफ कर देंगे, उसके बाद अगर आपका वीडियो कहीं भी शेयर होता है और आपके लिंक पर कोई क्लिक करता है तो डायरेक्ट आपके चैनल पर चला आएगा। तो इस तरह आपको अपने हर एक वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ करके रखना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि आपका वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होता है और आपके लिंक पर कोई क्लिक करता है, डायरेक्ट आपके चैनल पर ही चला आएगा। इस तरह जब वो आपके चैनल पर आएगा तो आपका वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, और लाइक करने के बाद आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों, आपके व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आपको अपने हर एक वीडियो में अलाउ एम्बेडिंग को ऑफ करके रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।